हेलो गाइस, मेरा नाम है मेघ। तो स्वागत है आपका एक और जीडे वाइब की वीडियो में। तो गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अगर आपने लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा जो मिलिट्री का कर्नल है गाइस, वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। उसने अपने को बहुत ज्यादा आराम से बुलाया था रेस्टोरेंट पे, और वहां पर भाई साहब अपने को क्या पता था कि पूरी अपनी फील्डिंग लगाकर बैठा है। वो तो शुक्र करो सही टाइम पर हम लोग वहां से एस्केप हो चुके थे, और यहाँ पर ना अपनी वहां से एस्केप होने में ट्रेवर ने पूरी मदद करी थी। तो चलो यार, यहाँ पर ना ये दोनों ना सामने की तरफ बर्गर गया, खा पी कर आ चुके हैं, और अभी भी ना अपनी दिक्कत है वो सॉल्व इस समय बिल्कुल भी नहीं हुई है। क्योंकि आपको पता होगा जो मिनी मद्रासो है, हमने उसका मर्डर कर दिया था भाई, क्या ही मारा था उसको, हेलीकॉप्टर से उड़ाकर क्या ही बम ब्लास्ट करे थे। वो सब यार मिलिट्री कर्नल को पता चल चुका है, क्योंकि वो है प्रेसिडेंट पूरे लॉस सैंटोस का। और वो कह रहा, माइकल हम तो पहले दोस्त हुआ करते थे, उसके बाद यार अब तो मैं प्रेसिडेंट हूं तो मुझे तुझे गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, क्योंकि तूने लॉस सैंटोस में मेरी आंखों के सामने क्राइम करा है। तो चलो यार, बस यही बात के लिए उसने अपने को करने के लिए बहुत ही चलाकी से रेस्टोरेंट पे बुलाया था, और उसी समय हम लोग वहां से एस्केप हो गए थे, क्योंकि कह रहा था अब तो तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। और यार इस समय हम लोग तो सेफ हैं, जो अपनी फैमिली है वो भी सेफ है। चलो यार एक बार मैं अपनी फैमिली आपको दिखा देता हूं। यहां पर ना जिमी और लेस्टर का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है, और ये जो टॉम है देख रहे हो यार, बर्गर बना रहे हैं कि ये बर्गर को जला रहे हैं। एक सेकंड देखो भाई, पूरी इतनी ज्यादा आग लगा रखी है ना यहां पर, और पूरा बर्गर पक भी रहा, पता नहीं गाइस यार जल ही रहा शायद से। और ट्रेसी आराम देख रहा है, तो अपने को ना कोई बंकर ढूंढना पड़ेगा सीक्रेट टाइप का, या कोई सीक्रेट बेस ढूंढना पड़ेगा जहां पर हम लोग अपनी फैमिली को सेव कर सके। और उसके लिए लगेंगे पैसे, क्योंकि पैसे अपने पास गाइस बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता होगा जो सीक्रेट बेस है वो बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, और इस समय अपने पास है ही टोटल $1 मिलियन, उसमें तो घंटा कुछ भी नहीं आने वाला। तो चलो यार, इस वीडियो का लाइक है पूरे 15,000 लाइक का। चैनल पर नहीं हुआ गाइस, चैनल को भी जरूर से ना सब्सक्राइब कर दो। पहले गाइस यार वीडियो को पूरा देखना, और फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर जाना। और हम लोग 1,40,000 फैमिली के बहुत ही क्लोज हैं, तो जल्दी से ना गाइस सब्सक्राइब कर अपनी इंसेन फैमिली में जुड़ जाओ। तो चलो गाइस यार, जो दूसरा चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे भी जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। 5K की फैमिली है, रोड टू 10K कर रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो यार, इस समय अपने को ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा बंकर का, और यार बंकर तो बहुत ज्यादा लॉस सैंटोस में, इतना ज्यादा सीक्रेट है ना, और कुछ तो अपने को फ्रैंकलिन भी बता रहा था, पर उसके लिए चाहिए अपने को कम से कम 30 या 40 मिलियन डॉलर चाहिए, क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा सीक्रेट बेस होते हैं, और उधर ना कोई पुलिस भी नहीं आ पाती है, और वहां के जो टावर वगैरह है ना कोई पुलिस तक नहीं हैक कर पाती, क्योंकि रेंज ही वहां पर नहीं आती है, वो बेस वगैरह अंडरग्राउंड होते हैं। तो उसी के लिए अपने को ना यार क्या काम करना पड़ेगा, वो फ्रैंकलिन कर तो जो बुढ़ी है, आपको पता होगा जो मेलूबी मेंशन है, अपने लिए तो वेस्ट है और किसी भी काम का नहीं है। और बाकी बात रही यार अपनी गाड़ियों की, वो भी ना मिनी मद्रासो ने पता नहीं कहां पर ही बेच दी है। और यार रही बात उस बुढ़िया की, मैं तो सोच रहा हूं मेलूबी मेंशन जब हम लोग बेचेंगे ना, उसी के साथ साथ उस बुढ़िया को भी साथ में उठवा देंगे, तो देखा जाएगा। तो इस समय ना मैं चल रहा हूं अपने मेलूबी मेंशन पर, और वहां जाकर देखते हैं कि बुढ़िया जिंदा उंदा है कि मर उर गई। तो चलो यार अब जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाते हैं। एक तो इसकी जो स्पीड है ना यार, बहुत ज्यादा ओपी स्पीड है अपनी गाड़ी की, तो जल्दी से चलते हैं हम लोग मेलूबी मेंशन के पास। गाइस यार, हमने कल रात को इतना ज्यादा सोचा कि अपने को अगर अपनी फैमिली को बचाना है, अपने को ना उस मेलूबी मेंशन को सेल करना पड़ेगा, और वो जो बुढ़िया साथ में उसको भी सेल करना पड़ेगा। और इस समय हम लोग ना इसको किडनैप यहां से कर लेंगे। और एक सेकंड गाइस, ये पुलिस की गाड़ी यहां पर क्या कर रही है, और ओ भाई ये क्या सीन हो रहा है यार, सामने की तरफ एक पुलिस वाला खड़ा है, और लेफ्ट साइड में भी पुलिस वाला खड़ा है, और एक लेडीज पुलिस है शायद से, और बीच में ये तो वही आंटी है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी से ना पहले अपनी ये वाली गाड़ी को ना साइड में खड़ा कर देते हैं, और एक बार ना अपने बिनोकुलर से देखते हैं कि क्या चल रही है वहां पर। तो चलो यार जल्दी से ना अपने बिनोकुलर को यहां से निकालते हैं, और पूरा ना जूम कर देखते हैं, और ओ भाई ये तो कोई पुलिस वाले हैं सही में, और यहां पर इनकी गाड़ियां भी खड़ी है, और मुझे ऐसा लग रहा है वो जो आंटी है ना शायद से रिपोर्ट तैयार करवा रही है। और उस दिन वो अपने को कह रही थी कि मैं ना पुलिस में कंप्लेंट कराऊंगी, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारे गेट पर लात वगैरह मारने की। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बुढ़िया ना पूरे मेंशन में अकेली रहती है, और बहुत ज्यादा बेकार काम करा है यार मिनी मद्रासो ने। तो चलो यार अब जल्दी से अपने को यहां से निकलना चाहिए, और कोई भी फायदा नहीं है यार यहां पर ज्यादा देर अगर हम लोग रुकेंगे ना, तो अगर पुलिस को अपने ऊपर शक हुआ फिर वो मिलिट्री के कर्नल को बोलेगा, मतलब जो प्रेसिडेंट है, फिर यार वो अपने को सीधा ले जाएगा जेल में। तो गाइस यार अपने को अब क्या करना चाहिए कुछ भी यार समझ में ही नहीं आ रहा। एक तो यही रास्ता था अपने पास मेलूबी मेंशन, ऊपर से गाइस यार क्या सीन हो रहा है यार, एक तो बुढ़ी है ना पुलिस वगैरह बुला कर खड़ी है, और वो तो FIR दर्ज करवा चुकी है अगर हम लोग वापस अगर वहां जाएंगे ना, और फिर यार कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस वगैरह अपने ऊपर सीधा सीधा शक करेगी। अगर गलती से पता चल गया ना ये माइकल फ्रैंकलिन ड्राइवर का काम है, और फिर तो पूरी बहुत ज्यादा बेकार बात वहां पर हो जाने वाली है। और अपने को यार प्लान बी बनाना पड़ेगा,
या कोई और, अगर लेस्टर होता ना गाइस यार, पक्का लेस्टर कुछ करता। एक तो लेस्टर का जो फोन है वो भी स्विच ऑफ आ रहा है, और लेस्टर का इतने दिनों से ना कुछ भी अता पता नहीं है। तो चलो यार अपने को अब क्या करना चाहिए, मुझे ना गाइस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा। तो चलो गाइस यार जैसे आप यहाँ पर देख रहोगे ना, अभी अभी अपने को लेमार का कॉल आया था, तो मैंने गाड़ी को साइड लगा लिया और वो कह रहा है यार अभी एक ही घंटा हो रहा है, ग्रीन गैंग ना एक ट्रक लेकर आई है और वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि उनके एरिया में ना मुझे लग रहा है कि चोरी हुई है या रोबरी उन्होंने कर ली है। तो ये भी हो सकता है कि वो गोल्ड हो सकता है या कोई मनी वगैरह हो सकती है। तो लेमार कह रहा है कि मैं उनके बेस के पास ही खड़ा हूँ, तो जल्दी से ना तुम लोग भी वहां पर आ जाओ और हम लोग देख लेंगे। अपने को पैसे से मतलब है यार, चाहे ग्रीन गैंग से चुराना पड़े, चाहे अपने को ना बैंक से क्यों पैसे चुराने पड़े। तो चले यार ये तो बहुत ज्यादा गुड न्यूज दे दी अपने को लेमार ने। बस यार ये ग्रीन गैंग भी एडवांस हो रही है, देख रहे हो ट्रक पे ट्रक चुरा रही है। अब ये नहीं पता कि उस ट्रक में वेपन हो सकते हैं या पता नहीं गोल्ड भी हो सकता है, क्योंकि लेमार जहां तक कह रहा ना ये ना बंदे डरे हुए हैं और ये पक्का कोई बड़ी रॉबरी कर आए हैं, जिस करके ना इनका ट्रक है ना ये उसको ना अंडरग्राउंड सोच रहे हैं करने के लिए। तो चलो यार देखा जाएगा, सीधा ग्रीन गैंग के एरिया में हम लोग अटैक कर देंगे और जल्दी से चलते हैं सीधा लेमार के पास। तो चलो गाइस यार जैसे कि आप यहां पर देख रहोगे ना, हम लोग ग्रीन गैंग के एरिया के बहुत ही क्लोज आ चुके हैं और यही कहीं लेमार ने अपने को बुलाया और वो कह रहा पीछे की कहीं गलियों में ना माइकल तू जल्दी, ओ भाई यहां पर खड़ा हुआ है। तो चलो गाइस अपने को हाथ भी मारा और कह रहा यहां पर आओ जल्दी से। और मुझे तो लग रहा है ना गाइस ये ना पक्का कोई प्लान बनाकर बैठा हुआ है यहां पर, जिस हिसाब से इसने देखा ना अपने को पैसे की जरूरत है और इसको भी चाहिए होंगे। तो चलो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहां पर, और ट्रेवर भाई तू भी आ जा भाई, तो ट्रेवर ही चिल्ला रहा है ये। तो चलो गाइस जैसे कि आप यहां पर देख रहोगे ना, लेमार कह रहा है कि मेरे पीछे पीछे और पूरा अलर्ट रहना, वो जो ट्रक है सामने की तरफ खड़ा हुआ है और यार सामने की तरफ रेड रंग का ट्रक है, ये तो अपने को बिल्कुल भी नहीं दिखने में आया, और ऊपर की तरफ भी ना ग्रीन गैंग खड़ी हुई है और यार और भी बंदे हैं, लेमार कह रहा है क्योंकि ना अपने को पूरा अलर्ट रहना चाहिए। और लेमार बार बार कह रहा है ड्राइवर भाई तू ना पीछे की तरफ ही रहा है, मुझे पता कि तू ना कोई जरूर से सीन कर देगा यहाँ पर। तो चलो यार ड्राइवर अपने पीछे ही है ना, फ्रैंकलिन तो अपने पीछे है, ड्राइवर भी अपने साथ ही है, और बस यार अपने को इस समय पूरा अलर्ट रहना है और अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि अपने को ये ट्रक का ऐसे यहाँ से निकालना है। हाँ भाई लेमार मुझे पता है यार तू भी डरा हुआ है इस समय। तो चलो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख रहोगे ना गाइस यार, ड्राइवर ने अपने ऊपर एम कर लिया और यहाँ पर ये कह रहा है यार तुम मुझे कब से कह रहे हो कि मैं आगे की तरफ ना जाऊं, और ये कह रहा है ठीक है माइकल तू आगे की तरफ जा और मैं तुझे ना कवर फायर दूंगा, अगर तुझे कोई भी कुछ कहेगा तो सीधा ना मैं उसको उड़ा दूंगा। तो चलो यार अब ना अपने को जल्दी से आगे की तरफ चलना चाहिए, और यहाँ पर ये तीनों अपना वेट करने वाले हैं, और भाई ट्रक तो यहाँ पर ही खड़ा है और पक्का गाइस कुछ गड़बड़ तो मुझे ट्रक में लग रही है, या इतनी ज्यादा बड़ी रॉबरी करी और यहाँ पर और भी ज्यादा बंदे हैं, और भाई जल्दी से ना अपने को वापस चलना चाहिए। तीन बंदे भाई गन लेकर यहीं पर खड़े हुए हैं और वहां से तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं दिखे थे। तो चलो गाइस जल्दी से ना अपने को यहां पर कवर लेना चाहिए, और इतना तो अपने को कंफर्म हो चुका है जहां तक लेमार कर रहा है कि मुझे लग रहा है कि इन्होंने यहां गोल्ड चुराया या मनी चुराई है, जिस हिसाब से इनकी सिक्योरिटी यहां पर खड़ी हुई है। और एक दो तीन बंदे तो हमने नीचे की तरफ ही देख लिए हैं और बाकी एक बिना पुलिस लेकर ऊपर की तरफ चढ़ा है। तो चलो गाइस अब जल्दी से अपने को ना वापस चलना चाहिए, अगर हमने इस टाइम अटैक करा तो यार अपने बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, अपने को ना यार अलग प्लान से इनके ऊपर अटैक करना चाहिए। और अब ये समझना है कि जो अलग प्लान है वो क्या बनाना पड़ेगा। एक तो ट्रेवर ना गाइस पहले पिस्टल निकाल के कह रहा है कि मैं बस जा ही रहा हूं, और अब बस भाई अपने ऊपर से ये मटा ले कुछ घंटा नहीं हुआ आगे जाकर। तो चलो यार अब जल्दी से ना तुम लोग आ जाओ मेरे साथ में, और अपने को ना चलना चाहिए वापस से अपने घर की तरफ, क्योंकि वहां पर ना चल के हम लोग बनाएंगे प्लान। और यार अभी ना मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यार ये जो ग्रीन गैंग का ट्रक है यहाँ पर क्या कर रहा है, और यहाँ पर एक काम हम लोग कर सकते हैं, घर जाने की जगह हम लोग यहीं पर कहीं सेफ जगह पर रुक जाते हैं, और वहां पर ना लेमार को तो कुछ ना कुछ पता ही होगा। तो चलो यार अब जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को करते हैं रिवर्स, और कोई ना सीक्रेट सी जगह ढूंढते हैं और कोई सेफ सी हो जहां पर ना और ग्रीन गैंग के ना बंदे आ जाए। तो चलो भाई ये जो पंप है ना, ये पूरा भाई पंप तो ये बिल्कुल भी नहीं है, और ये एक तरह से सुपर मॉल लगा लो कुछ भी लगा लो ये पूरा परफेक्ट रहेगा, और यहीं पर हम लोग गाड़ी में बैठे रहेंगे और किसी को भाई शक भी नहीं होगा। एक तो बालाज गैंग और ग्रीन गैंग का एरिया ना सारा, और ये देख लो भाई किस गैंग का बंदा यहाँ पर खड़ा हो चुका है। तो चलो गाइस इस वीडियो का लाइक है मैं पूरे 15,000 लाइक का, चैनल पर मेरा गाइस चैनल को भी जरूर से ना गाइस सब्सक्राइब कर दो, 1,40,000 के किंगसन फैमिली के बहुत ही क्लोज है, और जल्दी से ना यार सब्सक्राइब कर दो। तो चलो यार अब जल्दी से ना बनाते हैं कोई प्लान। तो चलो यार अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना, मेरे तो दिमाग में कुछ पल्ले पड़ ही नहीं रहा था, और लेमार कह रहा है
यहाँ पर ना एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं अटैक, और जब हम लोग अटैक यहाँ पर करेंगे ना तो फ्रैंकलिन या ट्रेवर को एक ट्रक पर नजर रखेगा और ट्रक के साथ साथ जाएगा, और ये लोग तो ट्रक को पक्का भगाएंगे क्योंकि लेमार का राइन के पास ना कोई जगह ही नहीं है ट्रक को रखने के लिए। तभी ना ये लोग दोपहर से ट्रक को वहीं पर पार्क कर खड़े हैं क्योंकि इनके पास कोई भी जगह नहीं है। जब हम लोग इनके एरिया में अटैक करेंगे पूरा घुसकर, और फिर ये लोग डर जाएंगे और पूरा ट्रक को वहां से एस्केप कराने की सोचेंगे, और उसके बाद हम लोग वहां से ट्रक को एस्केप करा लेंगे क्योंकि इनके एरिया में बस हमें जानबूझ के एक फाइट, फेक फाइट लेनी है, और बाद में ये लोग ट्रक को एस्केप कराएंगे ही कराएंगे। और अब बस अब ये देखना है कि ये काम कौन करेगा, और दो दो बंदे चाहिए होंगे। लेमार, मैं सोच रहा हूं कि तुझे जाना चाहिए ट्रक के पीछे और ट्रेवर को मेरे साथ रहना चाहिए। तो चलो यार, अब जल्दी से अपने को गाड़ी से उतरना चाहिए, और मैं सोच रहा हूं कि ट्रेवर मेरे साथ चलेगा मास्क लगाकर सीधा ग्रीन गैंग के एरिया में, क्योंकि यार अगर हम लोग मास्क नहीं लगाएंगे ना तो ग्रीन गैंग वाले बंदे अपने को जानते और ये लोग सीधा अपने घर पर घुसेंगे प्रेसिडेंट से भी पहले। तो चलो यार, अब लेमार और फ्रैंकलिन मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम दोनों, और तुमने कुछ भी नहीं करना, सीधा ना तुमने ट्रक को फॉलो करना है। जब हम लोग यहाँ पर फेक फाइट करेंगे तो तुम लोग ट्रक के पीछे पीछे रहना, और उसके बाद ना यहाँ से तो इनको जो हम लोग सबक सिखाएंगे ना इनका ट्रक ट्रुक सब उड़वा देंगे यहाँ से। हाँ तो गाइस यार, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना, फ्रैंकलिन जा रहा है लेमार के साथ, और ये दोनों ना कह रहे हैं कि हम लोग ना पूरी कोशिश करेंगे ट्रक को फॉलो करने की, और वहां पर अगर कोई मुसीबत आई तो ना हम तुम्हें बचा सकते हैं ना तुम हमें बचा सकते हो, क्योंकि इनके पास तो होगा व्हीकल। अगर ग्रीन गैंग इनके ऊपर अटैक कर देगी तो गाइस हम दोनों तो यहाँ पर फंस जाएंगे। तो चलो यार, फाइनली यहाँ से ना फ्रैंकलिन जाने के लिए रेडी हो चुका है, और यहाँ से अब ये कह रहा है कि यार एक काम करते हैं, तुम दोनों वहां पर जाओ और हम दोनों भी यहाँ से निकलते हैं। तो चलो गाइस, अब ट्रेवर भाई जल्दी से मेरे साथ आ जा, और ये जब अच्छा मौका देखेंगे यहाँ से चले जाएंगे। और भाई जल्दी से ना यार आराम, ओ भाई एक सेकंड, अगर इसने गाड़ी मेरे बीच में मारी होती तो कसम से कह रहा हूँ अभी मैं इसको जो पीट देता ना, तो यार चाहे ग्रीन गैंग आती चाहे बालास गैंग आती फिर देखा जाता मौके पर जो भी होता। तो चलो गाइस, अब जल्दी से अपने को ना चलना चाहिए सीधा ग्रीन गैंग के एरिया में। तो चलो गाइस, अब जैसे आप यहाँ पर देख रहोगे ना, ट्रेवर और माइकल ने यहाँ पर मास्क वगैरह डाल लिए हैं, और अब जल्दी से ना अपने को चलना पड़ेगा सीधा आगे की तरफ, और यहाँ पर भाई ग्रीन गैंग वाले हैं, और जल्दी से ना इनको मारते हैं। ओ भाई साहब, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहोगे ना भाई, जब भी हमने फायरिंग करी उसी समय इन्होंने ट्रक को यहाँ से एस्केप करवा दिया। तो गाइस जल्दी से ना इनकी भी अपने को गेम बजानी पड़ेगी, तो निकल लो यहाँ से। वो तो शुक्र करो गाइस हमने ना इस समय मास्क वगैरह डाल रखे हैं, और कितने ही ज्यादा चलाक बंदे हैं, जब भी हमने फाइट करनी शुरू करी और उसी समय गाइस इन्होंने यहाँ से ना सब कुछ एस्केप करवा दिया। और भाई ये तो बंदे यार, जल्दी से मारना पड़ेगा इनको। और भी कोई है तो आ जाओ यार, अपने पास यूजी है जो अपने को लेमार ने कल दी थी, और सबकी ना हम लोग इसी यूजी से गेम बजा कर रख देंगे। तो जल्दी से ना इनके वेपन उठाते हैं, और ओ भाई ऊपर से कोई मारने की ट्राई कर रहा था, उसको तो ट्रेवर ने ही लपेट दिया। तो चलो सही है भाई, और इसको भी जल्दी से मारते हैं, और है तो कोई आ जाओ यार सीधा। तो चल बेटा निकल ले यहाँ से। तो चलो यार, अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ट्रेवर ने भी गन उठा ली है ग्रीन गैंग से, और मैंने भी इस समय अपने वेपन निकाल लिया। तो जो भी है भाई आ जाओ, अब जिसमें भी दम है ना आ जाओ एक बार। और वो ट्रक भाई पता नहीं कहाँ गया होगा, पर शुक्र करो हमने सही समय पे ना प्लान बना लिया था। और ये नहीं भाई, ये वो वाला ट्रक बिल्कुल भी नहीं है, अगर ये होता ना, ओ भाई साहब ये गलती से हेडशॉट पड़ गया उसका, ट्रक ना सीधा यहाँ पर आ गया। और ये तो एम्बुलेंस आ रहे, तो इसको तो छोड़ो क्या ही करें। और भाई इतना ही दम था ग्रीन गैंग में, देख रहे हो अभी तक ग्रीन गैंग की इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी यहाँ पर, और उसके बाद जब भी हमने अटैक करना शुरू करा और कोई भी यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। तो चलो गाइस, अब जल्दी से ये गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, और ये तो खट्टा रहा है भाई, पता नहीं किसका कचरा यहाँ पर खड़ा हुआ है, अपने को ना कोई गाड़ी चाहिए होगी। तो चलो यार, हमने इनका ट्रक तो यहाँ से एस्केप करवा दिया, अब बस अपने को फ्रैंकलिन कॉल का इंतजार करना है। जब उसका कॉल आएगा उस समय हम लोग उसी जगह पर जाएंगे, और यार कोई गाड़ी अपने को चुरानी पड़ेगी, तो ये नैनो ही चाहिए, और यही बहुत ही ज्यादा सुपर कार है। तो ट्रेवर कहाँ पर रह गया भाई, आ जा जल्दी से। तो चलो यार, वो आ रहा भागा भागा, तो जल्दी से ना उसके पास ही चलते हैं अपनी ये छोटी सी खटारा सी नैनो लेकर, और क्या ही फनी है, और मैंने पहले भी इसको चला रखा है, क्या ही यार, वैसे चलने में तो तेज है पर जो इसकी हैंडलिंग है वो बहुत ज्यादा बेकार वाली हैंडलिंग है। तो चलो यार, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे, अब इतनी दूर आए हैं तो कुछ मजे कर ही चलते हैं। और एक सेकंड गाइस, जो अपने को बोलेगा ना सीधा हम लोग उनकी गेम बजाएंगे। और बाकी अपने को लेमार कह रहा था कि यहाँ पर ना इनके जो बंदे हैं उन्होंने ना कोई छोटा सा बेस बना रखा है, लास्ट टाइम ना लेमार का उसको फ्रेंड बनाता था, तो ओ भाई क्या ही जान बचाई है इसने इसकी। तो जल्दी से ना इनको मारना पड़ेगा अपने को, तो निकल यहाँ से। तो जल्दी से ना भाई, तो चलो गाइस
बराबर जल्दी से ना शुरू हो जाता, निकलो यहाँ से। एक एक यहाँ पे बहुत ज्यादा चौड़े हो रहे थे और जल्दी से ना इनकी भी गेम अपने को बजानी पड़ेगी। और भाई कोई भी नहीं अब बच सकता अपने से, और पीछे की तरफ से भी अपने को फायरिंग वगैरह की तरफ, निकलो यहाँ से। और भाई जो भी है ना यहाँ से सिंगल ही वन टैप ही चलाएंगे भाई, सबको मारेंगे। और ट्रैवर मेरे साथ ही रहना यहाँ पर, और जो इनका बेस है ना उसको तो हम लोग ढूंढ कर ही चलेंगे। तो जल्दी से ना यहाँ पर वो भाई बंदा खड़ा हुआ है, तो निकल यहाँ से। तो चलो गाइस यार, जैसे कि ओ भाई सामने की तरफ और भी बंदे लग रहे हैं मुझे, तो चल भाई ट्रैवर जल्दी से आ जा, और यहाँ पर जितने भी हैवी गन्स है ना वो चलानी शुरू कर दे। और भाई ट्रैवर तो यार किसी को सांस लेने नहीं दे रहा, देख रो क्या ही बजा रहा ट्रैवर सबको। तो चलो यार यहाँ पर ना अपनी M416 के जलवे अपने को दिखाने पड़ेंगे, और जो भी बंदे ना सामने की तरफ और इसको देखो, ओ भाई क्या सीन है, ये तो हवा में लग गया इसके हेडशॉट। तो चलो गाइस अब जल्दी से अपने को ना चलना चाहिए सीधा आगे की तरफ, और जहाँ पर ये गंजा खड़ा हुआ है इसके तो मत्थे पे गोली पड़ी, और सामने की तरफ और भी बंदे खड़े हैं, और इस एरिया में ज्यादा बंदे मुझे क्यों लग रहे हैं यार। तो जल्दी से ना देखते हैं क्या, ओ भाई साहब ठीक है ना, तो निकलो यहाँ से। तो जल्दी से ना तुम लोग यहाँ पर मर जाओ। और एक सेकंड, इन्होंने तो सीक्रेट बेस बना रखा है नीचे की तरफ, जैसे कि आप देख रहे हो अपने को ना ट्रैवर का इंतजार करना पड़ेगा, और बाहर की तरफ से भी कोई फायरिंग कर रहा है। तो यार ट्रैवर अब जल्दी आ जा भाई। तो चलो गाइस यार जैसे कि आप देख रहे हो भाई यहाँ आ जा, मत कर ज्यादा फाइट, मत कर भाई, अपने को बेस मिला, बेस पर चलते हैं। और यहाँ पर इसको देखो यार, जहां बंदे देख लेता है इसको सबको मारना ही है। तो जल्दी से अब मेरे पीछे पीछे आ जा, हम लोग चलते हैं, ड्राइवर तो आता रहेगा। और ये अपने को कवर फायर दे रहा है, और नीचे की तरफ गाइस इनका बेस देख रहे हो भाई, क्या ही सीक्रेट बेस इन्होंने बना रखा है। और नीचे से आवाज तो आ रही है किसी की, ओ भाई ये क्या सीन है यार, बंदे यहाँ पर खड़े हुए हैं पूरे और अपना इंतजार कर रहे थे। तो निकलो यहाँ से, और तू भी निकल ले यहाँ से, और कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो निकल यहाँ से। तो चलो गाइस यहाँ पर हमने इनकी गेम बजा दिया, ओ भाई बालास गैंग का एक बंदा यहाँ पर इन्होंने प्रिजन में रख रखा है, तो तू भी निकल यहाँ से। तो चलो गाइस, ओ भाई जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना गाइस, बंदे तो बहुत ज्यादा है। और एक सेकंड, शॉटगन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो निकल गंजे यहाँ से, और तू भी निकल ले, तू भी निकल ले। तो चलो गाइस अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना, शॉटगन से तुम्हारे भाई ने सबके हेड बजा दिया, किसी को भी यहाँ पर नहीं छोड़ा। और है कोई तो आ जाओ सीधा। और यहाँ पर अंदर की तरफ ये क्या कर रहा है, और ओ भाई ये क्या सीन है, एक सेकंड, ये तो ग्रीन गैंग ने अपने पोस्टर वगैरह छाप रखे हैं, जैसे पूरे लॉस सैंटोस के बहुत ही तगड़े डॉन होते हैं। और यहाँ पर इन्होंने सीजे को क्यों छाप रखा है यार, देख रहे हो ये बीच में सीजे खड़ा है, और ये आपको पता ही होगा GTA San Andreas के कैरेक्टर्स हैं। और यहाँ पर बिग स्मोक है, और ये सब पहले ग्रीन गैंग में थे, और शायद से मुझे लग रहा है कि इनको नहीं पता कि सीजे इनका जिंदा है, ये मर चुका है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनको भी सीजे से मिलवा देंगे। तो सबसे पहले तू निकल ले भाई, तू बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे मरा हुआ देखता हुआ। चलो गाइस अब इसके भी तुम्हारे भाई ने बजा दिया, और हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि इनका सीक्रेट बेस यहाँ पर हो सकता है। वो तो लेमार के फ्रेंड ने लेमार को बता दिया था कि यहाँ पर कोई सीक्रेट बेस है, वहां पर भी जाके एक बार देख लेना, क्या ही ऊपर की तरफ इसको गिरा दिया। और ये तो वॉशरूम है, एक तो इनके वॉशरूम देख रहे हो कितने ही ज्यादा गंदे कर रखे थे, निकल यार वॉशरूम भी निकले यहाँ से। तो चलो सही है, अब अपने को फ्रैंकी का जब कॉल आएगा ना तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा उनके पास। पर गाइस यार ये बेस बहुत ज्यादा अच्छा है, आप भी कमेंट करके बता देना आपको कैसा लगा। पर हम लोग ना इसमें नहीं रुक सकते, क्योंकि आपको पता है ये जो बेस है ये पूरा बेस ग्रीन गैंग में है, और अगर हम लोग यहाँ पर रुकेंगे तो फिर तो अलग सीन हो जाएगा। आपको पता है जो ग्रीन गैंग है ये सारे घर देख रहे हो, ये सब ग्रीन गैंग के, फिर ये लोग अपने ऊपर अटैक कर देंगे। तो चलो यार अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना, हम लोग अपनी गाड़ी में आ चुके हैं, और ड्राइवर कह रहा है जल्दी से ना फ्रैंकलिन की जगह पर चलते हैं। और उसने ना ट्रक को रोक लिया, और वहां पर ना भाई चार पांच ही बंदे थे ग्रीन गैंग के, और वो दोनों लड़ रहे हैं, और ये एम्बुलेंस बीच में ना बजे। तो चलो शुक्र है यार नहीं बजी ये अपने बीच में। और यहाँ पर ना अपने को चलना चाहिए थोड़ा माउंटेन्स के एरिया में, और ये समझ नहीं आया कि वो जो ट्रक है माउंटेन्स के एरिया में क्या करने जा रहा था। एक तो उनका ना कोई बेस है, पर ये जो बेस है ये मुझे सही में ओपी बेस लगा। तो आपके क्या राय है जरूर से कमेंट करके बता देना। तो चलो यार अब जल्दी से अपने को ना माउंट चिलियाड वाले थोड़े से रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो जो ट्रक है वो भाई वो भाई वो भाई, एक तो छोटी सी चीज है ये, ऊपर से और भी ज्यादा कबाड़ है, और हम लोग चला चला कर इसको ठोक ठोक कर कबाड़ कर रहे हैं। तो चलो यार अपने को चलना चाहिए सीधा माउंटेन्स वाले एरिया के पास। तो चलो गाइस यार अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना, हम लोग उस लोकेशन के बहुत ही क्लोज आ चुके हैं, और भाई अपने को ना जल्दी से चलना चाहिए। और ओ भाई साहब जैसे कि आप देख रहे हो ना भाई, ग्रीन गैंग और फ्रैंकलिन लमार यहाँ पर लड़ रहा है, तो जल्दी से इनको भी मारते हैं। तो जल्दी से ना उतर के अब सबकी गेम बजाते हैं यहाँ पर। तो चलो गाइस यार यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, इनको तो हमने मार दिया, और बाकी के
बंदे आगे की तरफ है और ये ट्रक खराब हो चुका है शायद से, तभी यहाँ पर ना तेज की आकर बजा होगा और इसकी टक्कर होगी होगी, एक्सीडेंट हो गया होगा, बाकी यहाँ पर फाइट शुरू हो चुकी है। तो चलो गाइस अब जल्दी से देखते हैं आगे की तरफ को, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना भाई यहाँ पर तो और भी ज्यादा मतलब निकल, चलो गाइस निकल गया यहाँ से ये, और जल्दी से ना इसको भी मारते हैं यहाँ पर, इसको भी हमने मार दिया और भाई पीछे की तरफ तो और भी ज्यादा बंदे हैं, तो जल्दी से ना इनकी भी गेम बनाते हैं, इसको देखो भाई। चलो गाइस ये तो एक ही यहाँ पर टैप में मर चुका है और बाकी ये जो बंदे है ना ग्रीन गैंग इतनी भी ज्यादा तगड़ी नहीं है, और यहाँ पर देखो भाई ये इन्होंने ना पैसे की रॉबरी करी थी और मुझे लग ही रहा था, और यहाँ पर ये 40 या 50 मिलियन डॉलर तो होगा पक्का। तो चलो यार फाइनली हमने रॉबरी तो यहाँ पर कर लिया है, अब जल्दी से ना पैसे उठाते हैं और चलते हैं सीधा कोई सीक्रेट सी जगह लेने के लिए। तो चलो गाइस ट्रक को तो मैं ड्राइव करूंगा, मैं पहली बता रहा हूँ, फ्रैंकलिन तू भी पीछे की तरफ बैठ जा लमार ट्रेवर, और यार तुम देख लो जहां जहां तुमने बैठना तुम बैठ जाओ, और तुम्हारे को ये गाड़ी भी लेकर आनी पड़ेगी, तो एक काम करते हैं लमार तू अपनी मर्सिडीज ले आ, बाकी हम लोग ट्रक में चलते हैं सब लोग, और इसी बहाने लमार भी गाइस मर्सिडीज चला लेगा इतने दिनों के बाद। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना गाइस अचानक से ना यहाँ पर पुलिस पता नहीं कैसे आ चुकी है, और पुलिस का क्या लेने देना यार यहाँ पर, वो तो शुक्र करो हमने इस समय मास्क डाल रखे हैं, तो जल्दी से ना इनको मारते हैं हम लोग। और एक सेकंड गाइस यार ये जो हेलीकॉप्टर है भाई ये क्या सीन है यार, कार्गो का प्लेन भी यहाँ पर आ रहा है, तो जल्दी से ना इसको भी मारते हैं, और भाई सबसे पहले पुलिस के हेलीकॉप्टर को अपने को मारना पड़ेगा, तो जल्दी से ना इसको खत्म करते हैं। और नीचे की तरफ से पुलिस की रेड पड़ चुकी है अचानक से अपने ऊपर, तो जल्दी से निकल यहाँ से। तो चलो गाइस इसको भी जल्दी से ना हम लोग पुलिस वालों को तो मार रहे हैं, और जब अपनी मौली अपने हाथ में है तो ये कब काम आने वाली है यार। तो चलो गाइस यार यहाँ पर ना भाई इसको भी ना स्नाइपर ही मारते हैं, और देखा जाएगा भाई जो भी होगा। तो चलो गाइस अब एक ही हमसे काम लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो निकल यहाँ से। तो चलो गाइस यार तुम्हारे भाई ने यहाँ पर मौली फेंक दी, और भाई पूरी गाड़ियां यहाँ पर ब्लास्ट हो चुकी है, तो जल्दी से ना अपने को सबको मारना पड़ेगा जो कार्गो प्लेन था यार अपने सर के ऊपर, और भाई क्या सीन हो गया, जो उनका हेलीकॉप्टर था वो भी उन्हीं के ऊपर गिर चुका है, और ये जो कार्गो प्लेन है गाइस ये किसका प्लेन है यार, ये पुलिस वालों का भी नहीं लग रहा मुझे, और मिलिट्री का भी ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो चलो यार जल्दी से ना इसको भी हम लोग गिराते हैं, और मुझे गाइस यार क्यों कुछ लग रहा है कि ऐसी कोई गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पर, और जल्दी से अपने को ना पहले अपने पैसे सिक्योर करने पड़ेंगे, और यहाँ से लेकर भागते हैं अपने मनी वगैरह सबसे पहले। और ये कार्गो प्लेन अपने सर के ऊपर ही क्या कर रहा है भाई, जल्दी से मारो यार ड्राइवर वगैरह इसको मारो भाई, इसको नहीं हमने छोड़ना। तो चलो गाइस अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना भाई जो पुलिस वाले हैं ये तो आते जा रहे हैं, और ऊपर से भाई ये क्या सीन हो रहा है यार, ये जो अपना ट्रक है ये हेलीकॉप्टर कहाँ लेकर जा रहा है भाई, ये क्या सीन हो रहा है यार, पुलिस वाले कब से चोरी करने लग गए भाई अपने साथ, क्या ही स्कैम हो रहा है यहाँ पर। तो जल्दी से अपने को ना नेट वगैरह फेंकने पड़ेंगे, और ये अलग ही सीन हो चुका है यार भाई, इतना बेकार सीन हो गया ना, पुलिस वाले कैसे ले गए यार, मुझे लग रहा है कि इनको ना किसी ने पक्का बताया होगा। तो निकलो यहाँ से और तू भी निकल ले। तो चलो भाई तब जल्दी से अपने को इनको मारना पड़ेगा, और अपनी जो मर्सिडीज है इसको लेकर यहाँ से हम लोग चलते हैं जल्दी से अब। तो चलो यार अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो वो जो हेलीकॉप्टर है ना गाइस वो अपना ट्रक लेकर जा चुका है, अब जल्दी से ना तुम जल्दी से बैठ जाओ, अपने को यहाँ से एस्केप होना पड़ेगा। एक तो अपनी गाड़ी है यार, अभी अभी हमने क्या ही सीन करवाया था, और ऊपर से सब ने सबके शीशे तोड़ दिया गाड़ी के। तो चलो यार अब अपने को ना यहाँ से एस्केप होना पड़ेगा, तो निकल यार अब मेरा पूरा दिमाग खराब है। और इसको देखो भाई ये गंदी सी गाड़ी लेकर अपनी मर्सिडीज से रेस लगा, तो निकल ले यहाँ से, बहुत ही ज्यादा बुरे वाला मारूंगा तुझे मैं। देख रहे हो गाइस यार क्या सीन हो गया, इतनी ज्यादा मुसीबत से हमने वो ट्रक चुराया था, उसके बाद अपने ट्रक को पुलिस ही ले गई है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया यार। अब तो अगर ये काम मिलिट्री के कर्नल का हुआ फिर वो अपना यूज कर रहा था, या ये सारे पैसे वो खुद रख लेगा, या कुछ भी हो सकता है गाइस यार। यहाँ से अपने को सबसे पहले काम करना पड़ेगा पुलिस से एस्केप होने का। तो जल्दी से ना पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, और ओ भाई ये का सीन हो रहा भाई, ये हेलीकॉप्टर बीच में ही बजा अपने, और जल्दी से अपने को उतरना पड़ेगा। तो रुको गाइस यार ये जो हेलीकॉप्टर है ना तो इसको तो मैं जल्दी से बजा देता हूँ, एक तो अपने पास कोई बजूका वगैरह ही नहीं है, तो क्या ही करूँ यार मैं। तो चलो गाइस यार जैसे कि आप देख रहे होंगे पूरी कोशिश करते हैं इसको मारने के लिए। तो चलो गाइस यहाँ पर हमने इनका ड्राइवर तो मार दिया, तो निकल यहाँ से। तो चलो यार फाइनली इस हेलीकॉप्टर को भी हम मार देते हैं हम लोग, बस इसकी भी कहानी यहाँ पर खत्म हो चुकी है हेलीकॉप्टर की। और पुलिस वाले इतने ज्यादा चलाक कब से होने लगे, तो देख रहे हो मैं तो अपनी मर्सिडीज को ड्राइव कर रहा था, और पीछे से आके भाई साहब मर्सिडीज के बीच में बजा, और यहाँ पर अपनी स्नाइपर ने काम कर दिया। तो चलो यार ये जो हेलीकॉप्टर है इसकी तो ऐसी की तैसी हो चुकी है, और भाई जो पुलिस का दिमाग है ना मुझे लग रहा है ये लोग अपने को कब से फॉलो कर रहे होंगे कि हम लोग क्या करने वाले, तो निकल यहाँ से। तो चलो यार हेडशॉट बच गया, अब थोड़ा ना दिल को सुकून मिला, अब जल्दी से अपने को यहाँ से एस्केप होना चाहिए। तो चलो गाइस यार फाइनली ना पुलिस तो यहाँ से एस्केप हो चुकी है, और अपने को ना पुलिस से छुटकारा पाते पाते पूरी शाम हो चुकी है। और आप सोच रहे होगे जो पैसे थे वो कहाँ पर गए, तो हमें भी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा यार वो जो पैसे थे वो कहाँ पर गए। और इतना पता चल गया कि जो पुलिस का हेलीकॉप्टर था वो ट्रक को ही उड़ाकर लेकर चला गया, अपने
अपने को ना बस ये क्लियर हो रहा है कि पुलिस वाले ना अपना यूज कर रहे थे और शायद से पुलिस वाले अपने को फॉलो कर रहे होंगे। हम लोग जब भी ग्रीन गैंग से ट्रक लेकर आए और उसी समय भाई साहब क्या सीन हो गया, ट्रक को पुलिस का ही हेलीकॉप्टर उड़ा कर ले गया। और जो पुलिस वाले हैं ये लोग ग्रीन गैंग के एरिया में और बलास गैंग के एरिया में कभी भी नहीं जाते हैं, क्योंकि यार वहां पर गैंग ना किसी की भी नहीं सुनती है, वो तो अपने से डरते हैं जिसका हम लोग फायदा उठाते हैं। और पुलिस वाले भाई इतने ज्यादा चलाक निकले, मैंने सोचा तक नहीं था। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी कि ऊपर से अपने को उस बंदे का फोन आ गया जिसको हमने फ्रॉड में गाड़ी चिपकाई थी और वो कह रहा है तो जल्दी से ना मेरे पास आ और मुझे एक क्लब में मिल। तो अपने साथ इस समय जाने वाला है ट्रेवर और यार मुझे बहुत यार डर लग रहा है, क्योंकि आपको पता होगा वो जो साउथ वाला बंदा था उसको हमने यार आपको दिख ही रहा होगा उसकी शक्ल देखकर बिल्कुल साउथ वाला था। और आप कमेंट करके बता देना कि आपको वो बंदा कैसा लग रहा था। तो चलो यार अपने को ना ट्रेवर के साथ इस समय चलना है जी अपनी ये वाली गाड़ी में, और ऊपर से इसकी एक बार मैं आपको हालत दिखा देता हूँ, बहुत ज्यादा खराब है यार। तो चलो यार अब देखा जाएगा जो भी होगा। एक तो अपने पास पैसे नहीं है, अगर उसको शक हो गया अपने ऊपर कि हमने उसके साथ फ्रॉड करा है तो अपनी मौत पक्की है गाइस। वैसे बोल तो वो प्यार से रहा था, वो तो उधर जाकर ही पता चलेगा सर। तो आप ही जा भाई ड्राइवर अब जल्दी से। तो चलो गाइस यार फाइनली ड्राइवर आ चुका है, अब अपने को चलना पड़ेगा उस क्लब के पास जहां पर ना अपने को उसने बुलाया है। और ये दोनों को मैं बोल कर जा रहा हूं कि तुम दोनों यहां पर रुको, और यार इनको मैं क्यों साथ में ही लेके जा रहा, अगर अपने पास कोई प्रॉब्लम हुई अपने पास थोड़े बहुत वेपन्स तो हैं जो हम वहां से लड़कर आ जाएंगे। और यार अगर ये चारों आएंगे ना अगर हमें कुछ हो जाता तो अपनी फैमिली को कौन देखेगा। तो चलो यार अब जल्दी से ना उसी लोकेशन पर चलते हैं जहां पर अपने को उसने बुलाया है। और वैसे उसका क्या नाम रखें भाई उस बंदे का, तो चलो यार उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और एक सेकंड गाइस ये क्या सीन हो रहा था। हां भाई सारी गाड़ी टूट जा आज तो, एक तो इतनी महंगी गाड़ी लिया ऊपर से स्क्रैच पे स्क्रैच गलते जा रहे हैं, एक तो पैनी भी यार अपने विलेज गया हुआ है, जब वो आएगा तब हम लोग उससे अपनी गाड़ी को रिपेयर करवा सकते हैं। तो चलो यार अब जल्दी चलते हैं सीधा उसी लोकेशन पर। तो चलो गाइस यार अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे होगे ना अपने को स्प्लिट क्लब में आना था और हम लोग आ चुके हैं स्प्लिट क्लब पे, और मोटे तू निकल यहां से। तो चलो यार अपने को ना अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करना है और ड्राइवर भाई तू मेरे साथ आ जा, और हाँ अगर हल्की सी भी बात हुई तो वेपन बिल्कुल भी मत उठा देना और यहां पर ना फिर बहुत ज्यादा बड़े वाला सीन हो जाएगा। तो चलो यार जैसे कि आप देख रहे होगे ना सामने की तरफ लिखा है स्प्लिट साइड्स वेस्ट क्लब, ये एक क्लब है। तो चलो गाइस अब जल्दी से अपने को चलना पड़ेगा सीधा इसके अंदर की तरफ, और ड्राइवर भाई जल्दी से आ जा और यहां पर ना गाइस कुछ भी हो सकता है। और एक सेकंड गाइस ये क्या सीन चल रहा भाई, यहां पर तो बंदे उंदे खड़े हुए हैं, उस सामने की तरफ ना कोई बंदा खड़ा हुआ है, यहां पर भी भाई एक के हाथ में बैट है और भाई इनका वो जो मेन है वो कहां पर है। तो चलो गाइस यार यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो ड्राइवर और मैं तो आ चुके हैं, और ये रहा भाई सामने की तरफ बैठा हुआ है और बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है और सामने की तरफ ही देख रहे हैं। उस शायद से ना किसी बंदे ने इनके साथ ना चलाकी करने की कोशिश करी है, ये उसको पूरा पीटने में लगे हुए हैं और इसके बॉडी गार्ड को तो बस मौका चाहिए मारने का। तो चलो यार इन सर से बात कर लेते हैं, और वैसे ये डाल भी रखा है कुछ नीचे की नहीं, अरे भाई डाल रखा है। चलो गाइस यार जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना भाई ये कह रहा है कि तूने गलती तो मेरे साथ पंगा लेके कर दिया है और यहाँ पर तूने मुझे फ्रॉड कार चिपका दिया, मुझे वो सब कुछ पता चल चुका है। और हम इसको कह रहे हैं सर हमने ये सब नहीं करा, और ये क्या सीन है भाई इसने तो अपने ऊपर एम कर लिया है, और ये क्या सीन कर दिया भाई इसने, और पूरा पीछे वाले बंदे को इसने मार दिया और अपने को इसने बिल्कुल भी नहीं मारा। तो चलो यार जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो ना गाइस इसने पीछे वाले बंदे को मार दिया और यहां पर ना कह रहा है कि यार तुम तो मुझे बच्चे लग रहे हो और मैं तुझे तब छोड़ दूंगा एक शर्त पर, क्योंकि तूने ना लास्ट टाइम मेरी तारीफ करी थी और बस मुझे $100 million दे दे और तुम्हारी जान बच जाएगी, और मुझे बिना बात के लड़ने का तो शौक नहीं है और मैं इतना भी शरीफ नहीं हूं कि तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। और यार अपने पास तो घंटा $100 million है, पूरे $1 million थे मैंने आपको बताया था, और इस समय ये कह रहा बस मेरे $100 million मुझे अभी के अभी पे कर दो और बाद में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पर यार इस समय अपने पास ना एक रुपए तक नहीं है, और वो भी जो $1 million है वो भी बैंक में है। ये कह रहा ना ज्यादा देर तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम्हें अपनी जान बचाने तो अभी मुझे पे करना पड़ेंगे तुम्हें $100 million। तो गाइस यार मैं इसको कह रहा हूँ सर आप हमें कुछ दिन का टाइम दे दो, हमारे पास इस समय $100 million तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो गाइस अब जैसे कि आप देख रहे हो ना अपने पास पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे, जो 1 million है वो भी बैंक में था, और इस समय ना गाइस ड्राइवर कह रहा है कि इसके पास 20 million थे, इसने ना इसको नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर कर दिया है। और ये कह रहा है चलो यार एक काम तो तुमने सही कर दिया, और बाकी जो तुम्हारी गाड़ी है वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि इसके घर पे ना पुलिस की रेड पड़ चुकी थी और वो जो गाड़ी है ना पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने उसको पता नहीं कैसे ट्रैक कर लिया और इसके घर पर पहुंचे। और ये कह रहा फिर मैंने पुलिस की तो पूरी गेम बजा दी है और यार वो तो मेरा घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते,
और इस समय तुम लोग पैसे देकर तुम्हारी जान बचेगी। तो अपने पास पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे और $20 million शुक्र करो गाइस यार ट्रेवर के पास थे और ट्रेवर इनको ट्रांसफर कर रहा है और ये कह रहा है चलो तुम्हें मैंने 10-12 दिन का मौका दिया और उसके बीच में तुम मेरे $80 million अगर मुझे वापस कर दोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। तो चलो यार अब जल्दी से अपने को निकलना चाहिए भाई, ट्रेवर बस 20 million दे दे और यहाँ से खिसक ले और अपने को तो बंकर वगैरह तो पक्का गाइस ढूंढना पड़ेगा क्योंकि एक तो ये समझ नहीं आ रहा कि अपने को जो पैसे चाहिए वो मैं सिगरेट बेस पर लगाऊं अपनी फैमिली के लिए या फिर इसको दूं। यार इसका क्या नाम रखें, इसको हम लोग अन्ना बुला सकते हैं क्योंकि एक तो इसकी जो लुक है पूरे अन्ना जैसी है। तो चलो गाइस अब जल्दी से हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ। एक तो जो अपनी गाड़ी है भाई पहले मैं इसको सेव करूं क्योंकि इसकी कीमत ही $180 million है। आपको पता अगर उसकी नजरों में ये वाली गाड़ी आ गई है ना तो जो अन्ना है ये वाली गाड़ी को भी रख लेगा अपने पास। तो चलो यार अब जल्दी से ना हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं। ये ड्राइवर कहाँ पर रह गया भाई, ड्राइवर अभी तक तो अपने साथ था और अंदर की तरफ ही रह गया भाई। जल्दी से ना ड्राइवर को बुलाते हैं और जब भी ड्राइवर आएगा उसी समय हम लोग निकल लेंगे। और तुम्हें तो मैं कुछ कह भी यहाँ पर नहीं रहा, बिना बात के छोड़े और तो निकल लो यहाँ से। मैं पहले कह रहा हूँ गन मेरे पास है अभी बजा दूंगा, बिना बात के सब लोग मर जाओगे यहाँ पर। तो चलो गाइस यार ड्राइवर भी यहाँ पर आ चुका है और यार ये जो स्प्लिट साइड्स क्लब है ये पूरा अन्ना का ही क्लब है और हमने तो शायद से गलती कर दी उसको ये गाड़ी चिपका कर जो अपनी रेसिंग कार थी। यार क्या सीन है यार, सारे गलत काम अपने साथ ही यहाँ पर क्यों होते हैं और ये कौन सी पार्किंग है भाई, देखा जाएगा। जल्दी से ना बाहर की तरफ चलते हैं और ये खुलते तो बिल्कुल भी नहीं है, इनको तो तोड़ना ही पड़ता है, इससे अच्छा इनको हटाई क्यों नहीं देते लॉस सैंटोस से। तो चलो यार मुझे लग रहा है कि अब तो हम लोग और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में पहुंच चुके हैं। एक तो एक सेकंड गाइस, एक तो ये स्मोकिंग कर रही है तो तू भी निकल और तू भी निकल। तो चलो गाइस यार ये बुढ़िया मर चुकी है, एक तो ना हर बुढ़िया देखकर मेरा पूरा दिमाग खराब हो रहा है। तो चलो गाइस अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, लाइक में पूरे 15,000 लाइक का। चैनल पर नए गाइस हैं चैनल को भी जरूर से ना सब्सक्राइब कर दो, 1,40,000 के इंडियन फैमिली के बहुत ही क्लोज हैं तो सब्सक्राइब कर दो। जो रेड कलर का बटन आपको नीचे की तरफ आ रहा होगा उसको पूरा ग्रे कर दो। तो चलो यार मिलते हैं बहुत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।